केजरीवाल ने झूठी खबर फैलाई, आम आदमी पार्टी की शामत आई। मोदी योगी शाह पर बयान देकर फंसे केजरीवाल। शिवराज ने एक झटके में केजरीवाल की निकाल दी हेकड़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, मैं आपके साथ शब्द। जोश में होश खो बैठे केजरीवाल ने एक ऐसी भविष्यवाणी कर डाली है जिसने इस वक्त पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। न सिर्फ बीजेपी हैरान है बल्कि जनता के बीच भी हलचल बढ़ गई है, क्योंकि केजरीवाल ने छुटते ही दावा किया है कि पीएम मोदी रिटायर होने वाले हैं क्योंकि उनकी उम्र हो गई है। उनकी जगह इस बार अमित शाह लेंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं, तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी तो उस पर भी आऊंगा मैं, अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। चुनाव जीतने के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी पत्ता साफ कर दिया जाएगा। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। यही तानाशाही है दोस्तों, वन नेशन वन लीडर ये चाहते हैं। एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा। बस जैसे ही केजरीवाल के अपने तरकस से तीर निकले, अमित शाह गुस्से में उठ खड़े हुए। फिर क्या था, ऐसा बयान दिया, न सिर्फ केजरीवाल के होश उड़ गए बल्कि इंडिया गठबंधन भी हैरान रह गया। तो आगे केजरीवाल का बयान सुनवाएं, उससे पहले अमित शाह ने कैसे केजरीवाल के एक झटके में पसीने छुड़ा दिए, सुनिए। उठने के बाद उन्होंने सवाल एक उठाया है कि रिटायरमेंट का, प्रधानमंत्री के रिटायरमेंट को लेकर सवाल उठाया कि उम्र उनकी 74 हो गई है, 75 अगले साल, इस तरह की बातें उन्होंने कही है, क्या कहें? देखिए, इस देश की जनता पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो या नॉर्थ ईस्ट हो, हर कोने में मोदी जी के साथ प्रचंड समर्थन के साथ खड़ी है। इंडी अलायंस के जितने भी चट्टे बट्टे हैं वो सभी को मालूम है कि हम 400 पार करने जा रहे हैं, मोदी जी तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनेंगे, इसलिए इस प्रकार की भ्रांति फैला रहे हैं। मैं देश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि भाजपा के संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। मोदी जी ही 29 तक नेतृत्व करेंगे और मोदी जी ही आने वाले चुनाव का भी नेतृत्व करेंगे। इंडी अलायंस के लिए कोई अच्छा समाचार नहीं है, उनको खुश होने की जरूरत नहीं है, उनको ज्यादा परिश्रम करना चाहिए, भ्रष्टाचार बंद करना चाहिए और लोगों के प्रति सहानुभूति और संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहिए। इसकी जगह इस प्रकार के झूठे भ्रम फैलाकर वो चुनाव नहीं जीत सकते। मोदी जी इस देश को बहुत आगे ले गए हैं और मोदी जी को इस देश को और आगे ले जाना है। किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन भारतीय जनता पार्टी के कोई क्वार्टर में नहीं है, ये देश की जनता को स्पष्ट होना चाहिए। तो अमित शाह ने केजरीवाल की गलतफहमी को एक झटके में दूर कर दिया है, बता दिया है कि इंडिया गठबंधन को खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि तीसरे कार्यकाल में मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। ये सब बातें लोगों को गुमराह करने के लिए की जा रही है। दरअसल केजरीवाल ने जेल से आने के बाद पहली सभा की और हर बार की तरह इस बार भी बीजेपी को कोसना शुरू कर दिया। कुछ नहीं मिला तो कहने बैठ गए कि मोदी की उम्र हो गई है, अगर इस बार बीजेपी जीती तो अब की बार शाह प्रधानमंत्री बनेंगे, योगी का पत्ता काटने की तैयारी चल रही है। क्या कुछ कहा केजरीवाल ने, खुद ही सुन लीजिए। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा, मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे? नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा।
सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी, तो उस पर भी आऊंगा मैं, अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया, न सिर्फ अमित शाह बल्कि जेपी नड्डा ने भी उन पर ऐसा पलटवार किया जिससे आम आदमी पार्टी के नेताओं की बोलती ही बंद हो गई। नड्डा ने छूटते ही केजरीवाल को आईना दिखाया और साफ शब्दों में कहा, भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं भी उम्र को लेकर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जनता जानती है मोदी जी का कण कण और क्षण क्षण भारत माता की सेवा के लिए समर्पित है। मोदी जी के नेतृत्व में विकास भारत की परिकल्पना साकार हो रही है और अपने अगले 5 वर्षों के कार्यकाल में मोदी जी देश को नए शिखर पर ले जाएंगे। विपक्ष खुश ना हो, कोई मुगलता ना पाले, मोदी जी हमारे नेता हैं और आगे भी हमारा नेतृत्व करते रहेंगे। इंडी गठबंधन और बेल पर जेल से बाहर आया नेता भी जानता है कि आएगा तो मोदी ही, रहेगा तो मोदी ही, भारत को मजबूत बनाएगा तो मोदी ही। जितने बीजेपी नेताओं का नाम लेकर केजरीवाल अपनी सियासी रोटियां सेक रहे थे, उन सभी ने एक एक कर्ज केजरीवाल की नींद उड़ा देने वाला बयान दे डाला है। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने भी मोर्चा संभाला और तंज कसते हुए कहा, जेल जाने के बाद केजरीवाल अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, इसलिए वो इस तरह की ऊटपटांग बयानबाजी कर रहे हैं। जेल में पहुंचने के बाद अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, अभी बेल पर है और केवल चुनाव तक के लिए है। भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ताओं के लिए राजनीति पद प्राप्ति का या स्वार्थों की सिद्धि का माध्यम नहीं है। देश की सेवा के लिए हम राजनीति करते हैं और जनता की भलाई के लिए, विकास के लिए हम लोग काम करते हैं। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का महाआंदोलन अभियान है भारतीय जनता पार्टी, जिसके हम सब कार्यकर्ता हैं, और पार्टी जो काम हमें देती है उस काम को पूरी प्रमाणिकता, मेहनत और ईमानदारी से हम करते हैं। सिर्फ शिवराज सिंह चौहान ही नहीं, दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी ने भी शराब घोटाले को लेकर केजरीवाल से सवाल पूछ डाले और कहा, जो केजरीवाल जोश में होश खो बैठे हैं वो याद रखें कि शराब घोटाले के दाग उनके ऊपर से धुले नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन के लिए उन्हें सिर्फ प्रचार के लिए मोहलत देकर बाहर किया है। उनकी बातों पर जनता कभी यकीन नहीं करेगी। भ्रष्टाचारी की बात थोड़ी देश सुनेगा, जिसको कोर्ट बेल भी नहीं दे रही है, पेरोल दे रही है कि जाओ 15-20 दिन, भैया कहना मत, वोट वोट मांग के आओ। 2014 में भी मांगे थे, 2019 में भी मांगे थे, 2024 में भी मांग रहे। तो ऐसे भ्रष्टाचारी करप्ट लोगों का, ये तो डिक्टेटर के चरम सीमा पर खुद ही पहुंच गए हैं। जेल में है फिर भी मुख्यमंत्री ऑफिस में उनको घुसने का अधिकार नहीं है, उनको सचिवालय जाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, चोरी की है, लूटा है दिल्ली को, शराब घोटाला किया है, कौन मुंह लेकर के जाएंगे? कालिख पोत के भेजा है सुप्रीम कोर्ट ने कि जाओ, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे भ्रष्टाचार की कालिख लगी हुई है, सबको दिखा के आओ। अब उनकी कही हुई बात को कोई क्या सुने? ऐसे प्रचार प्रसार में उतर गए हैं केजरीवाल। अरे बड़ा अच्छा है भैया, उतर जाओ। पहली बार उतरे हैं क्या? 14 में नहीं थे क्या? 19 में नहीं थे क्या? भगवान ने बहुत अच्छा किया, सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद कि उनको प्रचार करने के लिए भेज दिया। केजरीवाल चुनावी रैली में जेल से बाहर आते ही बीजेपी को घेरने के चक्कर में ऊटपटांग बयानबाजी कर चारों तरफ से घिर गए हैं, क्योंकि बीजेपी ने साफ ऐलान कर दिया है, अब की बार 400 पार होगा और विपक्ष कुछ भी कर ले, आएंगे तो मोदी ही। ये बात अब केजरीवाल भी मान चुके हैं, इसलिए उन्होंने ऐलान कर दिया कि इस बार
मोदी नहीं अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन बीजेपी ने ये बात क्लियर कर दी है कि अगली बार भी तीसरे कार्यकाल में मोदी ही प्रधानमंत्री रहेंगे। तो इस खबर पर आपकी राय क्या है हमें कमेंट कर जरूर बताएं।